रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंजर नकवी प्रिज्म के नाजीन को खुशामदीद कहता है। तजर्बा ही होता है, शुएब मलिक ने ये साबित कर दिया। हालांकि उनको भी टीम में शामिल, बिल्कुल ऐन वक्त में सबसे आखिरी खिलाड़ी थे वो जो टीम में शामिल हुए थे। जब चेंजिंग हुई तो सबसे आखिरी खिलाड़ी वही थे जब वो टीम में शामिल किए गए। उन पर तनकीद भी होती, उनकी सिलेक्शन पर तनकीद हो रही थी कि इतने साल से खेल रहे हैं और काफ़ी अर्से से परफॉर्म भी नहीं किया है। परफॉर्म तो मेरा यह है कि शायद पाकिस्तान को मैचेस बहुत ज़्यादा नहीं जितवाए, बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वाकई तजुर्बे का कोई मोल नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ खुद खेला बल्कि आसिफ अली को खिलाया तो पाकिस्तान 26 रन की नाकाबिल शिकत ही नहीं। 26 रन इसलिए कि 134 से 135 रन तो हासिल करने थे, उसमें तो उन्होंने 26 रन का अपना हिस्सा डाला और एक बड़े क्रूशल मौके पर ये रन किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम मैच को जीतने में कामयाब है। तो दो मुसलसल मैचेस जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गई है। और 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, अगर देखें उसको तो उसी सिलसिले को पाकिस्तान टीम ने यहाँ T20 वर्ल्ड कप में जोड़ा है। 2019 में पाकिस्तान ने अपने आखिरी 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की थी, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत भी शामिल थी। तो अब इस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने पहले अपने 2 मैचेस जीते, भारत को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया।